गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.6, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, द ब्लैंक। आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है और यहाँ पर एक ब्लैंक है, इसे फिल करना है। तो देखिए, पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। प्लस 7, जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, प्लस माइनस माइनस 5। अब प्लस माइनस माइनस होगा वैसे, पर क्योंकि बड़ी डिजिट 7 की है ना, ग्रेटर डिजिट जो है वो पॉजिटिव की है, दैट्स वाई साइन पॉजिटिव का आंसर क्या आएगा, 2। फिर प्लस 3, माइनस माइनस प्लस और 5, 5 और 3 मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस 8। फिर माइनस 7, फिर प्लस माइनस माइनस 3, माइनस 7 प्लस 3 10, माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 8। फिर यहाँ पर क्या होगा, 8 और माइनस माइनस प्लस 8, तो यहाँ पर आंसर होगा माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 1 जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ पर होगा माइनस 5। फिर प्लस 7, माइनस माइनस प्लस 10, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, क्वेश्चन आर कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन, राइट डाउन द सब्स्ट्रैक्शन स्टेटमेंट इंडिकेट बाय द फॉलोइंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको सब्स्ट्रैक्शन स्टेटमेंट लिखने हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एडिशन स्टेटमेंट लिखे थे, मतलब जो मिडिल में आप एडिशन का साइन यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर आपको एडिशन की प्लेस पर सब्स्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करना है। ओके, सब्स्ट्रैक्शन स्टेटमेंट, 0 to पॉजिटिव की तरफ गया है तो 0, फिर माइनस का साइन पॉजिटिव की तरफ गया है इसलिए प्लस 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 स्टेप है तो माइनस, एंड माइनस की तरफ गया इसलिए माइनस 6। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, सब्स्ट्रैक्शन स्टेटमेंट, जीरो, फिर माइनस, नेगेटिव की तरफ पहले मूव किया है 1 2 3, तो यहाँ पर माइनस 3, फिर अगेन नेगेटिव की तरफ मूव किया है, कितने स्टेप, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6। नेक्स्ट देखिए, सब्स्ट्रैक्शन स्टेटमेंट, जीरो, फिर माइनस, जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव एट, इस 8 के बाद 1 2 3 इस तरफ गया, मतलब क्या होगा, माइनस, इसलिए माइनस 3। फिर देखिए, 3 के बाद यहाँ इस तरफ ही गया इसलिए माइनस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो माइनस का साइन बीच में और यहाँ पर क्या होगा, माइनस 8। ठीक है, क्वेश्चन आर कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर K3। देखिए, माइनस 5 और प्लस माइनस माइनस, इससे पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 8, आंसर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का, बिकॉज ग्रेटेस्ट जो साइन है डिजिट का वो नेगेटिव है। 8 प्लस 5 13। नाउ अगेन ब्रैकेट ओपन, पार्ट बी में प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 3, नाउ आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 8, आफ्टर दैट माइनस 8, प्लस माइनस माइनस 5, माइनस 8 एंड माइनस 5, अगेन नेगेटिव का साइन डिजिट बड़ी है इसलिए माइनस आएगा और 13। फिर नेक्स्ट प्लस 10, प्लस माइनस माइनस 6, फिर प्लस माइनस माइनस 3। तो अब देखिए, प्लस 10 माइनस 6, 10 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो प्लस का आएगा 4, फिर माइनस 3, 2 को सॉल्व करते हैं। अब प्लस 4 माइनस 3 पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट का है प्लस की इसलिए 1। ठीक है, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 7, 7 और 5 12, काय के आएंगे, माइनस के 12। ठीक है, ये आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पर क्या सॉल्व होगा, सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स इन द फर्स्ट रो फ्रॉम दोज इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपको सॉल्व करना है। राइट द आंसर्स इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम, आपके आंसर्स भी लिखने हैं इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम में। अब यहाँ पर बीच में सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस का साइन यूज होगा, लाइक माइनस थ्री, फिर प्लस नहीं होगा माइनस होगा और माइनस टू। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस टू, तो आंसर क्या होगा, प्लस माइनस 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 वन। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस वन, फिर एज इट इज़ माइनस थ्री एंड इलेवन, तो माइनस थ्री माइनस इलेवन, माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन, ठीक है, फिर अगेन माइनस थ्री, फिर माइनस का साइन और माइनस सेवनटीन, तो माइनस थ्री प्लस सेवनटीन, सेवनटीन में से थ्री को जब हम डिडक्ट करेंगे तो आएगा आंसर फोर्टीन, प्लस के फोर्टीन आएगा, ठीक है, फिर माइनस थ्री माइनस और माइनस सिक्सटीन, फिर क्या होगा, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन, जब डिडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा प्लस थर्टीन। तो पहले फिलअप कर लीजिए, यहाँ पर होगा माइनस फोर्टीन, फिर यहाँ पर होगा प्लस फोर्टीन, फिर यहाँ पर होगा प्लस थर्टीन, ठीक है, माइनस थ्री और प्लस वन, तो आंसर होगा माइनस टू, ठीक है। क्या है इसे हमने सॉल्व करा, तो माइनस वन माइनस फोर्टीन प्लस फोर्टीन प्लस थर्टीन एंड माइनस टू। देखें जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस सॉरी प्लस नाइनटीन और प्लस टू ट्वेंटी वन, फिर इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एट, इनको सॉल्व करेंगे थर्टी सिक्स, इनको सॉल्व करेंगे थर्टी फाइव, इनको सॉल्व करेंगे एटीन, और बीच में माइनस लगाना कंपलसरी है। इस तरह से ये वाली टेबल मैंने फिलअप करी है, ये वाला पार्ट आपको फिलअप करना है। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट इंडिकेट बाय द गिवन नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट बनाना है, तो हम यहीं पर बना लेते हैं इसका सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट। आप नीचे बनाइएगा, और ये जो साइड में मैंने कैलकुलेशन की है ये आपको कॉपी में नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना। देखिए जीरो से पॉजिटिव की तरफ सिक्स, तो जीरो क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन बनाना है इसलिए माइनस आएगा और प्लस सिक्स, ठीक है। अब सिक्स के बाद यहाँ से सिक्स से नेगेटिव की तरफ फाइव तक गया है, तो पॉइंट दी गई नहीं है, कितनी यूनिट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, माइनस एंड माइनस इलेवन, ठीक है। अब 11 से गया है आगे की तरफ पॉजिटिव की तरफ, कितना होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो यहाँ पर माइनस एंड प्लस नाइन। आफ्टर डैट यहाँ से इस तरफ प्लस, बीच में आ जाएगा माइनस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, नेगेटिव क्या आ जाएगा, ट्वेल्व, ये इसका स्टेटमेंट होगा, ठीक है। प्लस सिक्स माइनस माइनस इलेवन माइनस नाइन एंड माइनस ट्वेल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व प्लस थ्री माइनस ब्रैकेट में माइनस टू माइनस प्लस टू, इसे सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस टू, प्लस माइनस माइनस टू, प्लस 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 हो जाएगा, तो प्लस क्या होगा, फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, फिर माइनस टू, प्लस माइनस माइनस, बट साइन आएगा बड़ी डिजिट का इसलिए पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन अगर हम नहीं भी लगाएं, नेगलेक्ट भी करें इसको, तो इट्स चलता है, ठीक है। फिर प्लस थ्री माइनस टू, प्लस फाइव माइनस टू, तो यहाँ पर आंसर बचेगा थ्री, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ हिल स्टेशन, एक ही दिन में, ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ हिल स्टेशन द टेम्परेचर एट नून इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मिडनाइट इज माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉट इज द फॉल टेम्परेचर एट मिडनाइट। एक पर्टिकुलर डे में एक हिल स्टेशन पर, हिल स्टेशन का मतलब होता है जो बर्फीली जगह होती है वहाँ पर, है ना, स्टेप्स की जगहों को हिल स्टेशन बोलते हैं, जहाँ हम ज़्यादातर घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर था नून का 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, और मिडनाइट में मतलब नाइट में आधी रात को उसका जो टेम्परेचर हुआ वो माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो आपको बताना है कि कितना टेम्परेचर फॉल हुआ, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन देखिए, ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ हिल स्टेशन द टेम्परेचर एट नून
इक्वल्स टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द टेम्परेचर इट नाइट या मिड नाइट। इक्वल्स टू माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्वियसली माइनस होगा बीच में, है ना। तो अब देखिए माइनस होगा तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। द फॉल इन टेम्परेचर एट मिडनाइट, टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फिर माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस माइनस प्लस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर हो जाएगा 5 प्लस 3 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो मिडनाइट का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ नी दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ए लाइज 1890 मीटर अबाउ द सी लेवल। ए जो पॉइंट था वो 1890 मीटर अबाउ सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर है मीन्स पॉजिटिव है ये वाला पॉइंट। एंड पॉइंट बी इज लाइज बिटवीन 62 मीटर बिलो द सी लेवल, ये बिलो है विच मीन्स ये जो है माइनस में है, ठीक है। वॉट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के बीच की आपको वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, पॉइंट ए लाइज अबाउट द सी लेवल, अबाउट द सी लेवल इज इक्वल्स टू प्लस 1890 मीटर। फिर पॉइंट बी लाइज below the sea level is equals to minus 62 meter. Now the vertical distance between both point आप क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे तो 1890 मीटर माइनस, ऑलरेडी माइनस में है माइनस 62 मीटर, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। 1890 मीटर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 62 मीटर, जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 प्लस 2 2, 9 प्लस 6 15, 15 का 5 आएगा 1 बोरो, नाउ 1 प्लस 8 प्लस 1 9 और यहाँ पर आ जाएगा 1952 मीटर, क्या होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आर कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन, इफ द डीपेस्ट पॉइंट इन अ सी लेवल इज 950 मीटर बिलो द सी लेवल, जो सी लेवल का डीपेस्ट पॉइंट था मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट था डेप्थ पॉइंट, है ना, वो क्या है 950 मीटर, मतलब ये माइनस में होगा ये वाला जो पॉइंट है। फिर एंड माउंटेन पीक इज 420 मीटर, जो माउंटेन पीक है लाइक यहाँ पर है आपका सी लेवल, ठीक है, ये जो है ये सी लेवल है, इसके जो डीपेस्ट पॉइंट है सबसे डीपेस्ट पॉइंट ये है और इसका जो मेजरमेंट है या जो डेप्थ है वो है 950 मीटर, इसी के ऊपर माउंटेन है और माउंटेन का जो पिक पॉइंट है इसे हम बोलते हैं पिक पॉइंट, उसका जो कॉर्नर वाला पॉइंट होता है सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसकी जो डिस्टेंस है वो है 420 मीटर सी लेवल के अकॉर्डिंग। ये ऊपर है माउंटेन इसलिए यहाँ पर आएगा पॉजिटिव और ये नीचे इसलिए यहाँ पर आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो आपको क्या करना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू, दोनों के बीच की डिस्टेंस को बताना है कि क्या आएगा आंसर। नाउ सॉल्यूशन, द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इन अ सी लेवल is equals to minus 950 meter and the peak point of a mountain is equals to plus 420 meter, ठीक है। The difference between both of them
डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, माइनस 950 मीटर, ये डीपेस्ट था ठीक है, फिर बीच में आ जाएगा माइनस 420 मीटर ठीक है। अब बीच में क्योंकि माइनस है और यहाँ पर प्लस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। साइन कौन सा यूज़ होगा, प्लस का ही यूज़ होगा, क्योंकि अगर मैं इस 950 को पीछे लिखती तो साइन पॉजिटिव आ जाता। अगर मैं इसे इस तरह से लिखती 420 मीटर माइनस और माइनस 950 मीटर, तो साइन पॉजिटिव का आता, इसलिए दोनों ही तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 1370 मीटर, ये क्या इसके बीच की डिस्टेंस है ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, द सम ऑफ टू इंटीजर इज माइनस 256 इफ वन ऑफ देम इज 45, फाइंड द अदर। दो इंटीजर का जो सम है वो माइनस 256 है, उसमें से किसी वन की वैल्यू है 45 और अदर वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले आप गिवन लिख लीजिए, गिवन क्या क्या है आपको क्वेश्चन में, गिवन दैट द सम ऑफ टू इंटीजर इसकी वैल्यू लिखनी है हमें माइनस 256, फिर फर्स्ट इंटीजर क्या है 45 और अदर वाला हमें फाइंड करना है, अदर इंटीजर इज इक्वल्स टू एक्स ठीक है। तो फर्स्ट प्लस अदर इज इक्वल्स टू सम, यही होगा। फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास है 45, अदर की वैल्यू हमारे फाइंड आउट करनी है इसलिए x, और सम की वैल्यू है माइनस 256। अब देखिए ये वैल्यू इसके साथ पॉजिटिव में है, इसे मैं राइट हैंड साइड में लेकर जाऊंगी तो नेगेटिव में हो जाएगी, तो इसलिए माइनस 256 और माइनस 45, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब आप इसे प्लस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 301 ठीक है। Now exercise 6.6 are completed and the chapter 6 are also